अमन रसूल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मनी बैग गारंटी के डायरेक्टर फैसल कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे तो मैं आपको काफ़ी अर्से से देख रही हूँ, बचपन से गए हैं यू फोन के एड आपका में। बचपन मेरा बड़ा नहीं, यू फोन के एड में जी। जब से मेरी ख्वाहिश थी कि एक दिन हम यूँ साथ बैठे और आपसे कुछ बातें, आज मेरा सपना पूरा हो गया। सर आपकी ये फर्स्ट मूवी है जी एज अ डायरेक्टर? एज अ डायरेक्टर। और आपने काफ़ी बड़े बजट की ये फिल्म, इनके बड़े बजट की एक फिल्म है, उस पर आपने इतने सारे कास्ट को एक साथ, इतने सारे एक्टर्स एक साथ कास्ट किया है, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? और इतने सारे कास्ट में से किसने सबसे ज़्यादा परेशान किया? सबसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कास्ट जो थी वो ज़्यादातर मेरे दोस्त थे और वो थे तो वो बिल्कुल दोस्ताना माहौल में काम हुआ है हमारा। और जो लोग थे वो भी सारे बड़े कंफर्टेबल थे मेरे साथ काम करने में। जो तंग करने वाली बात है, मेरे ख्याल में मैंने सबको बहुत तंग किया लेकिन किसी ने मुझे, कोशिश करते थे वो बेचारे कि मुझे तंग ना करें, बट चूँकि इतनी ज़्यादा चीज़ें होती थी तो वो ज़ाहिर प्रेशर होता है, तो इसकी वजह से मैं लोगों को तंग करता था थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, किसी ने मुझे तंग नहीं किया और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया फिल्म। अच्छा, इस फिल्म का जो ट्रेलर हमने देखा है उसमें हमने खुद ने महसूस किया है कि फवाद खान वन मैन शो कर रहे हैं, ऐसा लगा है, तो ऐसा क्यों कि उनके साथ कोई लीड एक्टर्स फीमेल एक्टर को आपने कास्ट क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि इसकी कहानी ऐसी नहीं है, इसमें वो लव स्टोरी या कुछ वो नहीं है, ये एक फ़र्क तरह की कहानी है, इसमें लव इंटरेस्ट नहीं है किसी का फिल्म में, थोड़ा बहुत फ्लर्ट या उस तरह का चीज़ है बट वो इतनी कम है कि मेन कहानी बिल्कुल फ़र्क है और ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए। इसमें जो रॉबरी का आइडिया है वो किस चीज़ को सोच कर आपने रखा? हाइस्ट मूवीज़ मुझे हमेशा से इंस्पायर भी करती थी मुझे, क्योंकि उसमें जो एक सस्पेंस का एलिमेंट होता है मुझे बड़ा मज़ा आता था देख के कि वो अब क्या होगा, वो ये फंस जाएंगे, वो ये, तो मुझे हाइस्ट मूवी हमेशा एक इंट्रीग करती थी बड़ा कि यार ये, तो मेरे जहन में था कि कभी कोई हाइस्ट मूवी प्लान करेंगे, पहले भी कुछ आइडियाज़ सोचे बट ये वाला आइडिया एकदम मुझे आया तो ये कनेक्ट हो गई चीज़ें और बन गया, तो फिर मुझे हुआ कि ये अच्छा है, फिर मैंने फ़ौरन लिख लिया और वो आपके सामने। एनी मैसेजेस? मैसेजेस हम क्या दें जी, ज़रूर जाएं मनी बैग गारंटी देखने ईद पे, अभी बुकिंग डालें, अगर नहीं मिलती टिकट तो अगले दिन की डाल लें, लेकिन ज़रूर देखें। और एक ख़ास बात ये कि जब आप दूसरी दफ़ा देखेंगे मनी बैग गारंटी तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। ईद पे आपकी फ़िल्म आ रही है और ये पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोई 800 सिनेमा स्क्रीन पर लगेगी आपकी फ़िल्म जी, और इसके मुकाबले में जो सलमान खान की फ़िल्म आ रही है किसी का भाई किसी की जान, और इसके साथ ही अंग्रेज़ी फिल्में भी आएंगी, तो आपने इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या होप्स रखी है, क्या उम्मीद रखी है अपनी फिल्म से? देखें, हमारी फिल्म भी बहुत बड़ी फिल्म है और इंटरनेशनली भी हमारी बहुत बड़ी रिलीज़ है। मैटर फैक्ट मैं आपको बताऊँ, जर्मनी में हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल स्क्रीन है सलमान खान जैसी, और अमेरिका में भी हम किसी का भाई किसी की जान जितनी हमारी सेम स्क्रीन होंगी। तो बेसिकली देखें, अगर जीतना है तो मुकाबले में खड़ा तो होना पड़ेगा ना, अगर मुकाबले में खड़े नहीं होंगे तो जीतेंगे कैसे? इंशाल्लाह हमारी फिल्म भी हिट होगी। इस फिल्म में जहाँ तक के देखा जा रहा है कि फवाद खान को, वैसे तो आपने डायरेक्टर ने चूज़ किया है या प्रोड्यूसर ने चूज़ किया है आई डोंट नो, बट फवाद खान वन मैन शो करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें ट्रेलर में। अब वो थोड़ा सा क्योंकि माइक को उसका ऐसा है कि फवाद जो हैं वो हमारे, ऑब्वियसली बोलते हैं अगर एक टीम होती है उसमें कोई तो कैप्टन होता है ना, तो हम बोलेंगे कि फवाद हमारे इस फिल्म में कैप्टन है। कुछ मिसिंग नहीं लगा कि फवाद के साथ एक लीड एक्टर फीमेल एक्टर होनी चाहिए? वो स्क्रिप्ट की नौयत नहीं है उस किस्म की आमना। ओके, जबकि फवाद खान को एक रोमांटिक हीरो के तौर पर हमने देखा है और सरहद पार भी लोगों ने उन्हें पसंद किया, लेकिन हाल ही में उनकी मौला जट फिल्म आई थी जिसमें वो एक एक्शन हीरो की तौर पर आए, उसे भी लोगों ने पसंद किया, इसमें विदाउट एक फीमेल एक्टर वो एक्शन करते हुए नजर आएंगे, क्या लगता है? एक्शन नहीं है इसमें, ये एक्शन फिल्म नहीं, थोड़ी कॉमेडी है, बैंक मैनेजर है, थोड़ी कॉमेडी है ये, और इनके लिए फवाद के लिए एक नया मतलब कैरेक्टर है, तो देखें ऑडियंस भी जो है वो एक आदमी को एक ही कैरेक्टर में देख के फिर पक जाती है, तो आई थिंक फवाद बहुत अच्छी डिसीजन बना रहे हैं कि वो अलग अलग किस्म के एवेटार पिक कर रहे हैं, तो इस फिल्म में वो अपनी कॉमेडी साइड दिखा रहे हैं आपको। ओके, थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर?
मैं ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ईद पर जाके मनी बैक गारंटी देखें और अपना फन दुगना करें. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.